हाय एकदम वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल साइट। सो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर 3 का लास्ट पॉइंट जो कि फ्रेंड्स अल्टरनेट जनरेशन। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का लास्ट थीम है, लास्ट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या है इसमें, क्या है अल्टरनेशन जनरेशन, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तो चलिए चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन जनरेशन, एज वी हैव स्टडीड इन द अबव, इट इज लर्नड दैट ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअल reproducing plant there is an alternation generation between the gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte। जैसे कि फ्रेंड्स हम पहले भी देख चुके थे, जैसे कि फ्रेंड सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो भी प्लांट होते हैं, जो जिस प्लांट में, जिस ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली, उनमें से कुछ diploid sporophyte होते हैं और कुछ haploid होते हैं जो कि सिंगल होते हैं, सिंगल gametophyte। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसके वजह से ये अल्टरनेशन जनरेशन दिखाई देती है, जो कि इसका कारण है। तो फ्रेंड्स, थ्री बेसिक पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल आर हैप्लोइंटिक, डिप्लोइंटिक एंड हैप्लो डिप्लोइंटिक। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो अल्टरनेशन जनरेशन होते हैं फ्रेंड्स, इसका तीन तरह का पैटर्न होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, फर्स्ट दैट वन इज हैप्लोइंटिक, देन सेकेंड दैट इज डिप्लोइंटिक, देन हैप्लो डिप्लोइंटिक। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको वन बाई वन स्टडी करते हैं, क्या है हैप्लोइंटिक, देन डिप्लोइंटिक एंड हैप्लो डिप्लोइंटिक क्या है। ओके फ्रेंड्स, देन चलिए देखते हैं। पहले फ्रेंड्स, हैप्लोइंटिक, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज ए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फ्रेंड्स, जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक होते हैं फ्रेंड्स, जो इस ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रीन होते हैं, इट इज ए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, वो फेज होती है जो कि फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होती है। द स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सेल डिप्लोइड जायगोट। ओके फ्रेंड्स, ये जो स्पोरोफाइट होते हैं फ्रेंड्स, उसका जनरेशन जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेल में, मतलब वन सेल में डिप्लोइड जायगोट शो करता है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट व्हिच इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। इसलिए फ्रेंड्स, इसमें कोई लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होते हैं, ये कम्प्लीटली डिपेंड अपन गैमेटोफाइट, ये कम्प्लीटली गैमेटोफाइट में ही डिपेंड करते हैं। डिप्लोइड जायगोट अंडरगोज मियोसिस। देन फ्रेंड्स, इसका जो डिप्लोइड जायगोट होती है फ्रेंड्स, वो मियोसिस के अंडर जाती है, मियोसिस होते हैं, देन फॉर्म हैप्लोइड स्पोर्स, जो कि एक हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, व्हिच इन टर्न डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म गैमेटोफाइट। देन फ्रेंड्स, ये अगेन माइटोटिकली डिवाइड होती है और एक गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड हैप्लोइंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ओके फ्रेंड्स, इसी को बोला जाता है हैप्लोइंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ओके फ्रेंड्स, दिस पैटर्न इज सीन इन एल्जी सच एज बॉलवर्क्स, स्पाइरो वगैरह एंड मेनी अदर एल्जी। सो फ्रेंड्स, ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंटली दिखाई देता है एल्जी में, लाइक बॉलवर्क्स, स्पाइरो वगैरह, ओके फ्रेंड्स, और अदर एल्जी में ये दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, ये थी हैप्लोइंटिक, जो कि रिप्रेजेंटेड होता है वन सेल में, डिप्लोइड जायगोट में शो करता है। देन फ्रेंड्स, इसका सेकेंड दैट इज डिप्लोइंटिक। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं व्हाट इज डिप्लोइंटिक। हियर द डिप्लोइड स्पोरोफाइट्स इज द ग्रीन और फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। फ्रेंड्स, इसमें जो डिप्लोइड स्पोरोफाइट होते हैं उसमें तो सिंगल स्पोरोफाइट होते हैं जो कि हैप्लोइड वन सेल में रिप्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स, इसमें डिप्लोइड स्पोरोफाइट होते हैं जो फ्रेंड्स ग्रीन होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, और फ्रेंड्स डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द लाइफ फोटोसिंथेटिक होते हैं। देन फ्रेंड्स, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल, ये फ्रेंड्स डोमिनेंट होते हैं एंड जो कि लाइफ साइकिल में ये इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्रेंड्स, जो गैमेटिक फेज होता है व्हिच इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, जो कि कम्प्लीटली स्पोरोफाइट में डिपेंडेंट होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लोइड गैमेटोफाइट। फ्रेंड्स, ये पहले सिंगल में, सिंगल सेल में शो करता है, रिप्रेजेंट होता है, देन फ्रेंड्स कुछ देन ये ग्रो करके फ्यू सेल में रिप्रेजेंट होता है एज हैप्लोइड गैमेट। ओके फ्रेंड्स, दिस पैटर्न इज कॉल्ड डिप्लोइंटिक टाइप। ओके फ्रेंड्स, इस पैटर्न को हम डिप्लोइंट टाइप बोला जाता है ऑफ लाइफ साइकिल।
लाइफ साइकिल की, ये इसको लाइफ साइकिल का इसका डिप्लॉयमेंट टाइप ऑफ पैटर्न बोला जाता है एंड सीन इन ऑल सीड्स बियरिंग प्लांट। जितने भी सारे सीड्स बियरिंग प्लांट होते हैं जो कि फ्रेंड्स फानर्गिया में होते हैं फ्रेंड्स, जो कि जितने सारे सीड बियरिंग प्लांट होते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, फिकस, एल्जी, एज डिप्लॉयिंग पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल फ्रेंड्स, ये एल्जी में भी देखा जाता है और ऑल प्लांट्स प्रोड्यूसिंग सीड। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स थर्ड वन, तो फ्रेंड्स हैप्लो डिप्लॉयिंग, जो कि फ्रेंड्स हैप्लोइडिक एंड डिप्लॉयिंग का एक इंटरमीडिएट स्टेज होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या है हैप्लोइडिक डिप्लॉयिंग। दिस इज एन इंटरमीडिएट पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल इन विच बोथ द फेज आर मल्टी सेलुलर एंड विजिबल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स ये जो मतलब ये इंटरमीडिएट पैटर्न, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हैप्लोइड होते हैं भाई, डिप्लॉयिंग भी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये इसका जो कि इंटरमीडिएट पैटर्न होती है लाइफ साइकिल का, इन विच बोथ द फेज आर मल्टी सेलुलर और विजिबल स्ट्रक्चर, जिसमें फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर होते हैं इसका मल्टी सेलुलर होते हैं एंड विजिबल स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, इस फेज में ए डोमिनेंट पोस्ट्रेट और इरेक्ट फोटोसिंथेटिक थैलोइड हैप्लोइड गैमेटोफाइट अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो कि एक डोमिनेंट पोस्ट्रेट और इरेक्ट फोटोसिंथेटिक थैलोइड्स होते हैं, जो फ्रेंड्स हैप्लोइड गैमेटोफाइट होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं विद शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट्स के साथ ये अल्टरनेट्स होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हियर द स्पोरोफाइट इज टोटली पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। जहाँ पे फ्रेंड्स ये जो स्पोरोफाइट होते हैं वो टोटली और पार्शियली जो कि गैमेटोफाइट में डिपेंडेंट होते हैं फॉर इट्स एंचोरेज, एंचोरेज के लिए एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और एंचोरेज के लिए ये टोटली और पार्शियली फ्रेंड्स डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट में। देन ऑल ब्रायोफाइट्स शो द पैटर्न ऑफ हैप्लोइडिक और डिप्लॉयिंग लाइफ साइकिल, इसीलिए फ्रेंड्स जैसे कि जो कि ब्रायोफाइट्स सभी सारे के सारे ब्रायोफाइट्स पैटर्न ऑफ हैप्लोइडिक हैप्लो डिप्लॉयिंग लाइफ साइकिल शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स ये थी इसका, देन फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या है। देन फ्रेंड्स इन टेरिडोफाइटा, इन टेरिडोफाइट्स द डिप्लॉयड ग्रीन एंड वास्कुलर स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। फ्रेंड्स टेरिडोफाइट्स में जो डिप्लॉयड ग्रीन एंड वास्कुलर स्पोरोफाइट होते हैं वो डोमिनेंट फेज होते हैं लाइफ साइकिल का। हियर अल्टरनेशन जनरेशन इज बिटवीन मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट और ऑटोट्रॉफी। तो फ्रेंड्स इसमें जो अल्टरनेशन जनरेशन होते हैं वो फ्रेंड्स मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट और ऑटोट्रॉफिक के माध्यम में होते हैं। देन फ्रेंड्स शॉर्ट लिफ्ट इंडिपेंडेंट हैप्लोइड गैमेटोफाइट होते हैं। देन फ्रेंड्स ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये शॉर्ट लिफ्ट होते हैं जो कि हैप्लोइड गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। दिस इज ऑल्सो हैप्लो डिप्लॉयिंग पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल, ये हैप्लो डिप्लॉयिंग पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल भी हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स इन एडिशन टू ऑल टेरिडोफाइट्स सम अल्गल, सम अल्गल जेनरा सच एज इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोरिया एंड केल्स एग्जिबिट हैप्लो डिप्लॉयिंग पैटर्न। तो फ्रेंड्स इसके बाद भी जो कि टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिसके ऑल द टेरिडोफाइट्स सारे के सारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, सम अल्गल जेनरा कुछ एल्जी होते हैं सच एज इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोरिया एंड केल्प्स ऑल्सो फ्रेंड ये एग्जिबिट हैप्लो डिप्लॉयिंग पैटर्न, हैप्लो डिप्लॉयिंग पैटर्न। तो फ्रेंड्स ये भी हैप्लो डिप्लॉयिंग पैटर्न शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड नेक्स्ट कुछ समरी है जो कि समरी ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ ऑल प्लांट्स ग्रुप ऑफ किंगडम प्लांट। तो फ्रेंड्स जितने भी सारे हम किंगडम अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं उसकी बारे में एक फ्रेंड्स एक समरी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स क्या क्या दिए हैं तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वन इज दैट इज एल्जी। तो फ्रेंड्स एल्जी के बारे में कुछ दी गई है जो जो भी मैं एल्जी में आपको पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में कुछ दिया है, जिसकी एल्जी का कुछ फीचर्स और कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये रही एल्जी के बारे में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट, तो फ्रेंड नेक्स्ट है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं एल्जी के बारे में, देन फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा इसका सेकंड जो क्लास होती है। तो फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा की भी ऐसे कुछ फीचर और क्लासिफिकेशन होती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है जो कि हमारा टेरिडोफाइट्स। तो फ्रेंड्स एल्जी की तरह टेरिडोफाइट्स का भी कुछ एग्जांपल और फीचर दिए गए हैं। देन फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म और फ्रेंड्स देन एंजियोस्पर्म। तो फ्रेंड्स प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन का जितनी सारी पार्ट अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा किंगडम एक क्रिप्टोगामा को लेकर, हमारा वी जब किंगडम बी फैनरोगेमा, फ्रेंड्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट से लेकर
फ्लावरिंग प्लांट तक जितने भी सारी, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा का लेकर जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जितने सारे मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, क्लास कर चुका हूँ ऑनलाइन में, इसका कुछ समरी दे गए हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक और फाइल टेलीग्राम पर भेज दूँगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 3 ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम इसका चैप्टर 4 जो कि फ्रेंड्स एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो।